नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइसस्कोप। हमारे पीछे एक शख्स दिख रहे होंगे आपको, हज़ारीबाग से हैं, अजय दास नाम है इनका, और इन्होंने हज़ारीबाग से काशी तक पैदल मार्च करने का संकल्प लिया है। जानते हैं इन्हीं से कि इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी हज़ारीबाग से काशी तक पैदल मार्च करने की। चलते चलते ही बात होगी, आप चलते रहिए। हज़ारीबाग से काशी विश्वनाथ पैदल मार्च, क्या ज़रूरत पड़ी इतनी लंबी सफ़र पैदल तय करने? बहुत दिन से हम सोच रहे थे भारत मेरा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व में 57 देश इस्लामिक है और बाकी क्रिश्चियन लोग का अपना देश है और यहूदियों का अपना देश है, तो पूरा विश्व में हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। जबकि इस भारतवर्ष में 80 देश बसते हैं जितना जनसंख्या है, और हम सनातनी का जितना जनसंख्या है, समझ लिए पूरा 80 देश अगर मिलाइएगा तो तब मिला करके जो है केवल हिंदुस्तान में इतना हिंदू रहते हैं जितना 80 देश में रहते हैं। छोटे छोटे और से बहुत सारे देश हैं, तो अकेला भारत में इतना हिंदू रहते हैं, और हमारा भारत अभी भी सेक्युलर देश है, है ना? तो हमारा भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलते चलते ही बात करते हैं हम लोग। ये धर्मनिरपेक्ष देश जो है ना, ये ज़बरदस्ती थोपा गया, क्योंकि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो दोनों देश में एक समझौता हुआ था कि दोनों देश ही सेक्युलर रहेंगे और धर्म निरपेक्ष रहेंगे। लेकिन अब आज पाकिस्तान का हालत देख लीजिए, पाकिस्तान में जितने हिंदू थे आज लगता है कि 1% से भी कम बचे हैं, और भारत का भी जो है अब क्षेत्रफल जो है धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। पहले अफगानिस्तान गया और उसके बाद आपका पाकिस्तान गया, अब जो है अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं केरल बंगाल, है ना? यहाँ पे इन सनातनी लोग का, हिंदू लोग का बहुत दुखद स्थिति है, और कश्मीर का स्थिति आप लोग उन्होंने 1990 में आपने देखा ही है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो मुग़ल त्राहिमाम मचा करके गए हैं फिर से ऐसा भारत में ऐसा कुछ हो। कितने किलोमीटर का ये सफ़र है और कितने दिनों में तय करने की योजना है? 370 किलोमीटर का सफ़र है और 13 दिन में हम पूरा करेंगे। यानी डेली आप कितने किलोमीटर के? 30 किलोमीटर का टारगेट है। हो सकता है कभी तबीयत वबीयत ख़राब हो तो एक आध दिन एक दो दिन एक्स्ट्रा लेके चले हैं। रोज 30 किलोमीटर चलने के बाद स्टॉपेज है, कहाँ रुकेंगे, कैसे? अब जहाँ पे जो है 30 किलोमीटर के बाद जहाँ भी मंदिर नज़र आएगा, जहाँ हिंदुओं का संख्या अच्छा होगा, जहाँ रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप यहाँ रुक सकते हैं। मैंने शहर में देखा, लोगों ने आपका अच्छा स्वागत किया, यहाँ तक कि विधायक मनीष जायसवाल भी आपके स्वागत में आ गया है। विधायक जी आए और यदुनाथ पांडे जी भी आए, यम्बा प्रसाद भी आई। एक अच्छा संदेश है देश के लिए और समाज के लिए कि सभी चाहते हैं, भले कोई जो है खुल करके ना बोले, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कल्पना सब करते हैं। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और झारखंड में महागठबंधन यूपीए की सरकार है, और दोनों ही पार्टियों ने आज आपका स्वागत किया है इस मुहिम के लिए, यानी कि उन्हें पता है कि एक बंदा हिंदू राष्ट्र के लिए काशी जा रहा है, काशी विश्वनाथ जा रहा है, पैदल यात्रा, संकल्पित यात्रा कर रहा है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं हजारीबाग से के राजनीतिक पार्टियों ने आपका बाहर का छोड़ दिया, यहाँ के पार्टियों ने आपका समर्थन किया? ना 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 ना, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं है और ना ही हम कभी किसी राजनीतिक पार्टी का साथ लेंगे। जो भी आते हैं सभी सनातनी का स्वागत है, है ना? चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, भाजपा से हो या कांग्रेस से हो, CPI से हो, जदयू से हो, RGD से हो, मतलब सब। ऐसा थोड़ी है कि सब भाजपा में ही हिंदू है, और भी पार्टियों में हिंदू है। हम सभी पार्टियों का स्वागत करेंगे और जो मेरे मकसद में समर्थन करेगा हम उनका सभी का स्वागत करते हैं। ठंडा का समय है और जो हम ड्रेस देख रहे हैं आपका, तकलीफ नहीं होगी इस ड्रेस में आपको? अब आप कल्पना कीजिए कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, हजारों साल, 100 साल पहले ऋषि मुनि कैसे रहते थे। हम तो फिर भी अंगवस्त्र धारण किए हुए हैं और ऋषि मुनि ऐसे ही पूरा जाड़ा गर्मी बरसात रहते थे। तो हम, ये हमारा सनातन का परंपरा रहा है इस तरह का, ऋषि मुनियों का ये देश है। तो हम फिर से वो संस्कृति को जीवित करना चाहते हैं और सभी ऋषि मुनियों से हम क्षमा भी चाहते हैं कि जो भेष हम धारण किए हैं उस लायक नहीं हैं, है ना? लेकिन फिर भी आप आशीर्वाद दीजिए कि जिस मकसद से हम निकले हैं हम कामयाब हों, और भूल चूक से कभी भी आपका भेष हम धारण जरूर किए हैं तो केवल
आपका संस्कृति को जीवित करने का ये मेरा प्रयास है। और हम कभी भी ना ऋषि मुनि है, ना कोई महात्मा है, ना साधु महात्मा है। और पद यात्रा करने के बाद हम अपने पुराने दिनचर्या में लौट आएंगे। ये वेशभूषा, ये हमारा मस्तक, ये हमारा गर्व का है। कुछ साथ चल रहे हैं आपके? ये बजरंग दल के हैं। ये कहाँ तक आपका साथ देंगे और कहाँ से ये बजरंग दल बीड़ा उठाया है कि हजारीबाग से काशी विश्वनाथ तक उनका पूरा समर्थन रहेगा। और ये उनका जिम्मेवारी बनता है और उन्होंने जिम्मेवारी लिया है बजरंग दल ने, प्रशांत सिंह राजपूत उनका कहना है। और मतलब जितने भी हिंदू संगठन है, खास करके बजरंग दल, तो उन्होंने बीड़ा उठाया है कि इस पद यात्रा को जो है हम यहाँ से बाबा विश्वनाथ तक जो है हम संपूर्ण साथ दे करके पूरा करेंगे। आप साथ चल रहे हैं? चल रहे हैं। आप साथ जा रहे हैं? इचाक मोड़ से हैं, नगवा पुल तक गए थे, वहाँ से पद्मा तक छोड़ना है, वहाँ से पीटर आना है, वहाँ से प्रशांत सिंह राजपूत जो है वो आगे तक निभाएंगे। तो देख रहे हैं आप, ये अजय दास जी हैं जो हजारीबाग से काशी विश्वनाथ तक पैदल मार्च करेंगे। और इनका ये जो पद यात्रा है वो हिंदू राष्ट्र संकल्पित पद यात्रा है। जो ये चाहते हैं उसे तो मैं नहीं कह सकता कि कौन पूरा करेगी, या इनके पद यात्रा से वो पूरा होगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए ये पद यात्रा कर रहे हैं। और लंबी पद यात्रा है, तकलीफ़ें भी आएंगी, और तकलीफ सहते हुए अगर ये काशी विश्वनाथ जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखना ये है कि आगे लोग इनका कैसे स्वागत करते हैं, और इनकी यात्रा बाइसोस्कोप भी चाहेगी कि मंगलमय पूरा हो। न्यूज़ बाइसोस्कोप के लिए मैं शशांक।